वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा जो आपां विचार करना है ओह है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लई। सो साखी दे विच 2022 बारे एक भविखबाणी है। ओह की है भविखबाणी, ओह जानण तों पहला एक साडी छोटी जिही बेनती प्रवान करियो। साह संगत जी जेड़े नवे आए ने धन गुरु रामदास जी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो, नाल ही पहला आइकन भाव घंटी नू दबा लवो, जिस नाल साडी हर नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुंच जावेगी। लाइक कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ तां जो साडी टीम नू हौसला मिले। तुहाडा एक एक लाइक एक एक कमेंट साडे लई बहुत ही लाहेवंद ते कीमती है। साध संगत जी वीडियो नू शेयर करना ना भुलना तां जो होर भी संगतां दा भला हो सके। आओ साध संगत जी अज दी आपां इह वीडियो शुरू करदे हां। गुरमुख प्यारिओ प्यार वाली साध संगत जी, गुरबाणी दा बचन है तू दाता सब मांगते इको देन हार। साध संगत दी जेड़ी मैं बेनती करन लग्या कि समा बहुत ही भयानक आउण वाला है, जिहड़ा समा ओह होर भी बहुत ही भयानक है। ओह किवें आऊगा महाराज दसदे ने। साध संगत दी जिहड़े संत हुंदे हन महात्मा हुंदे हन उन्हां आउण वाले समय दा पहला ही पता लग जांदा है। जिहड़े पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने, जिहड़े असल जुड़े होए साध संत हुंदे ने, ते कई होर स्टेजां ते मैं सुणिया है बाबा ठाकुर सिंह जी पटियाले वाले उन्हां ने भी पिछे जिही एक गल कही सी। पिछे जिही एक बाबे ने कहा सी भी खेती वाले कानून गुरु पर्व वाले दिन रद्द होंगे, ते ओदी भविखबाणी भी सच हुई। ते साध संगत जी जदों ओह बाबा गल्लां करदे सी ते लोग इह गल कहिंदे सी भी इह बंदा मूर्ख है, इसलिए साध संगत जी जिहड़े साधुआं दे बचन हुंदे ने उहनां नूं अणगोलिया नहीं करना चाहीदा, लाइटली नहीं लैना चाहीदा। सो बहुत महापुरख ने जो आने वाले समय बारे बहुत कुछ जानते ने पर चुप बैठे ने, जे दस देंगे भी आ कुछ होना है तो शायद पहला ही लोग सुन के दहल के मर जाएंगे। सो साध संगत जी इसे लई साधुआं दा संतां दा सतिकार करिए। साधु तो बचाते ने सानू, असी बचना नहीं चाहते, असी ना समझी विच नुकसान कर रहे हाँ आपदा। सो इसे लई साध संगत जी जिवें ना कोई बस दरिया च डिगदी होवे ते अपां साडी कोशिश दयावान बंदे दी कोशिश भी यही होगी कि बचाया जावे, जिन्नियां भी सवारियां बच जाण बचाइए, डुबणों बचाइए। जेड़े नास्तिक हुंदे हैं, जेड़े अंदर दया नहीं हुंदी, नरदई बंदे ओह सोचदे हैं आपां नूं की है, डिगदी है डिगण दिओ। सो इह सोच चंगी नहीं। सो एक थां किसे स्कूल दे विच अग लग गई सी ते उहनां चों एक बच्चा सी, उस ने कई बच्चियां नूं वापस कढ़िया, आप झुलस गया ते उसदा चेहरा जल गया विचारे दा, पर उन्हें 7-8 बच्चियां दी जान बचाई। आप अग दे विच कुद के संत महापुरश ते भगत हमेशा पर उपकार करदे हैं, सेवा करदे हैं, बचाउंदे हैं संसारी जीवां नूं मायाधारी जीवां नूं, पर मायाधारी बंदा अन्ना बोला हो जांदा है। महाराज दी बाणी कहिंदी है मायाधारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी। मायाधारी बंदा प्रभु परमात्मा दी गल साधु संत दी गल मनदा ही नहीं, बोला हो जांदा है, कहिंदे अन्ना भी हो जांदा है अते बोला भी हो जांदा है।
कई बार साधु संत सियाने बंदे समझाते हैं, ओ भाई ओ काम ना कर, तू ऐदा कर लै आ कर लै, सही कहते सी। सियाने बंदे दी सोच दूर दी हुंदी है, आने वाला समा दिखदा है, साधु देख लेंदे हैं। मनुख बंदा कहिंदा थोनू बड़ा पता है, सियाना तां मैं हाँ, मैनू ना रोको, मैं तां ये काम करना ही करना है। सो साधु सियाने उन्हां नू पता हुंदा है, बाद च जो नुकसान हुंदा है ते बंदा पछताउंदा है। ओह एक जिवें कहावत है ना सियाने बंदे दी, ते कहा ओले दा खादा बाद च पता लगदा है, इसलिए पहला ही जाणू हो जाइए भविखबाणी तो, आपां फ्यूचर तो समझ जाइए, सुधर जाइए। ते साध संगत जी, परमात्मा कदे आप नहीं आउंदा, अपने प्यारिया नू ही भेजदा हुंदा है, साधु संत नू भेजदा है वी जाओ भाई तुसी अपनी ड्यूटी निभाओ, लोकां दा भला करो, उहनां नू समझाओ, उहनां नू समझाओ जाके। आप नहीं आउंदा परमात्मा, अपने साधुआं नू संतां नू ब्रह्म ज्ञानियां नू महापुरशां नू भेजदे ने। साध संगत जी, मैं एक तुहाडे नाल छोटी जिही कहानी सांझी करन लग्गिया। एक बंदे दी परमात्मा नाल शर्त लग गई, यह एक मन घड़त कहानी है समझाउण वास्ते, एक विज्ञानिक ढंग नाल। साडा मनोविज्ञान है इस ढंग नाल ही समझदा है। सो एक बंदे दी रब नाल शर्त लग गई, किवें लगी की लगी? परमात्मा कहिंदा है मैं तेनू बचावांगा, ओह कहिंदा है तू मैनू बचाई किवें बचावेंगा? परमात्मा कहिंदा मैं तेनू आवाज़ मारांगा, तू मेरी आवाज़ नू पछाण लवी। तेनू बचाउण वास्ते मैं कहूंगा, मैं आवाज़ मारूंगा, मेरी आवाज़ नू पछाण लवी। कहिंदा ठीक है। सो साध संगत जी, समा बीतिया, काफ़ी साल लंघ गए। ओह जिथे रहिंदा सी उत्थे इलाके च घूमण गया बाहर किते, ते खलोता सी किते, उत्थे इक हाथी आउंदा सी। ओदा मालक आप जेड़ा महातव हाथी दा मालक उची उची करलाउंदा आवे, चीका मारे पासे हो जो पासे हो जो, ते इदा ही ओह खड़िया रहा। उत्थे लोक भजे, कोई पासे होण लगे, इन्हां आवाज सुन के अणगोलिया कर दिता, आउंदा ए हाथी परे परे दी लंघ जाओ, मेरे उत्ते दी थोड़ी लंघू, मेरे कोल दी लंघ जाओ हाथी। उन्हें उस आवाज नू अणगोलिया करता, सुनिया ही नहीं, गौर ही नहीं कीती, मन्निया ही नहीं। ओह चीका मारदा आउंदा है पासे हो जो। महत्व हाथी पुंसरिया हाथी कहिंदा मेरे तो बेकाबू हो गया, हाथी गुस्से विच है, आ गया पासे हो जो। सो ओह खड़ा रहा, ते साध संगत जी हाथी ने उस दे उत्ते चढ़ गया, ते उसकी मौत हो गई। परमात्मा कोल गया, परमात्मा नू जाके उलांभा दिंदा है तुसी मैनू बचाया नहीं। महाराज कहिंदा गल सुन, तेनू बचाया सी, तेनू आवाज भी मारी सी। कहिंदा जी किवें? कहिंदा हाथी ते कौन सी? कहिंदा महत्व। ते महाराज कहिंदा परमात्मा कहिंदा हाथी दे विच मैं ही तां बोल रहा सी, पासे हो जो तुसी सुनिया ही नहीं, तू उदो मन्नी नहीं, मैं तां बोलिया सी पासे हो जो। सो इसे तरह बाद च पछताउण तों कुछ नहीं हुंदा, इसलिए परमात्मा बोलता है, सानू समझाउंदा है। आउण वाला समा पता नहीं किहो जिहा आउणा आ, पर परमात्मा दा दसदा जरूर है, किसे आने बहाने किसे राही। हुण आपां देखदे हाँ किवें छोटे छोटे बच्चे नशियां दे विच पै गए ने, किवें छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला चला के खराब हो गए। कोई किवें कोई गेमां खेड रहा है, कोई पबजी, कोई फ्री फायर विच सारा सारा दिन गेमां खेडदे रहिंदे ने, कोई वैट्सअप फेसबुक दे विच ही फसिया होया है, इंस्टाग्राम रियल बनाई जांदे ने, नशे करी जांदे ने, आशकी करी जांदे ने।
छोटे छोटे बच्चे गंदियां हरकतां करदे ने, गंदे गाणियां ते नाच करी जांदे ने। सो इसलिए आउण वाली पनीरी दा बहुत बुरा हाल है। धर्म तो बहुत दूर ने, पढ़ाई तो एजुकेशन तो भी दूर हो गए जरनेशन। उत्तों साडे राज नेता, साडा राज प्रबंध, साडा देश माड़े हालात ने। सो इसलिए आउण वाला समा चंगा नहीं, भयानक आउण वाला है। माँ प्यो का कोई सत्कार नहीं कर रहा, माँ प्यो नूं वृद्धा आश्रम दे विच बैठे ने, कोई सत्कार नहीं माता पिता दा रहा, समझ नहीं रही दुख दर्द दी। महापुरश कहंदे ने छोटे छोटे बच्चे ही बच्चों नूं जन्म देना आ, इन्ना भयानक समा आजू ते ओहो ही बचणगे जिहड़े जाप तप करनगे, जिहड़े बाणी पढ़नगे सेवा करनगे। नाम जपदे रहो तां बच जाओगे इस भयानक समें तों। सो इन्नी को बेनती प्रवान करियो, आओ फतेह बुलाइए, आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।